सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमास लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी जम्मू में हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से ऑफ कर रही हूँ। आज 1 अगस्त, तो आज मेरी यहाँ से ट्रेन, तो अभी तो मैं हूँ अपने हॉस्टल में और यहाँ से जा रही हूँ मैं जम्मू रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, कुछ 100 या 50 कदम की ही दूरी पे है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये देखिए मैं अभी अपने हॉस्टल में ही हूँ। मैं तो ये रहा मेरा हॉस्टल और कैसा रहा मेरा ओवरऑल व्यू, ओवरऑल जर्नी ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग कमेंट्स के थ्रू, मतलब अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि मेरे वीडियोस देख के कैसा लगा। चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। और आज धूप है, अभी तो बारिश हो रही थी लेकिन अब धूप आ गई है बहुत तेज़ी से। तो चलिए लेकर के चलते हैं साथ साथ हम आप लोगों को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और अभी ना बज रहा है 12:30, मतलब 12:30 के आसपास है, और मेरी ट्रेन है 2 बजे, जो कि है 8102 जम्मू तवी से राउरकेला तक जाती है। और सही जानकारी ना मैं स्टेशन पहुंच करके आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो ये देखिए आ चुके हैं हम रोड पे और ये रहा हमारा कालका धाम, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। और ये रही हमारी बिल्डिंग, ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं अब स्टेशन, और धूप बहुत तेज़ है, सवारियाँ वगैरह भी चल रही हैं। वैसे तो मैं पार्क में चल रही हूँ, मतलब साइड में ही चल रही हूँ, लेकिन फिर भी। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा जम्मू रेलवे स्टेशन पे। और लगेज भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, थोड़ा सा हैवी लग रहा है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है शूट करने में। ये देखिए आ गए हैं हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, दिख रहा होगा आपको सामने टिकट। ये देखिए इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, 3 भाषा में लिखा हुआ है। और ये देखिए पैसेंजर्स वगैरह वेट कर रहे हैं स्टेशन के बाहर। यहाँ लिखा हुआ है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर रेलवे स्टेशन जम्मू। मौसम चेंज हो गया, अभी बारिश हो रही थी और फिर धूप आ गई बहुत तेज़ी से, और फिर देखना मौसम कैसा हो गया, एकदम धूप चली गई है फिर बारिश बारिश जैसा बन गया है। और ये देखिए पसीने कितनी तेज़ी से आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि एक तो मैंने लगेज उठा रखा है, दूसरी बात गर्मी बहुत तेज़ है। तो ये देखिए ये है जम्मू रेलवे स्टेशन रेल आरक्षण केंद्र, और बादल देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह। और ये रहा बाहर का नज़ारा, सामने में ये छोटी सी एक मार्केट है, ये देखिए। पहुंच गए हैं हम स्टेशन, और इस टाइम पे कोई कोविड वगैरह कुछ नहीं चेकिंग हो रही है, बस आपके पास टिकट होनी चाहिए, आप सीधा एंट्री कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं या फिर ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ चेक पोस्ट पे ना मेरा लगेज वगैरह चेक होगा, फिर मैं लगेज वगैरह चेक करा करके आप लोगों से अंदर मिलती हूँ, है ना। तब तक वीडियो पर बने रहिए और ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। ये देखिए यहाँ से इस तरह से बैग वगैरह चेक हो रहे हैं, और भीड़ देखिए कितनी है, बाप रे। ये प्रतीक्षालय है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ दुकानें वगैरह दिख जाएंगी आप लोग, तो कुछ यहाँ से ले सकते हैं आप लोग। तो आ गई हूँ मैं अंदर, और पसीना देख रहे हैं, बाप रे कितनी ज़ोर से गर्मी। पूरी एक्सप्रेस 14:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, मतलब इसमें डिटेल दी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर। 8102 टाटा मुरी एक्सप्रेस देखिए लिखा हुआ है, और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिफ्ट नंबर 1। तो लिफ्ट नंबर 1, चलिए यहाँ से चलते हैं हम ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। का मतलब मेरी ट्रेन ना यहीं से बन के जाएगी जम्मू तवी से लेकर के
राउरकेला तक जाती है शायद, तो या तो फिर अनाउंस होगा या तो फिर मैं उसको देखूँगी तो मैं बताऊँगी कहाँ तक जाती है। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी, तो चलिए चलते हैं। शायद मेरी ट्रेन लगी होगी, पसीने देख रहे हैं। पता है जम्मू आते ही गर्मी शुरू हो गई, कटरा में थे तो एकदम गर्मी नहीं लगती थी, वहाँ बारिश भी होती थी और मौसम भी बहुत ठंडा रहता था। इवन वहाँ पे तो स्वेटर भी दिख जाते थे, लोग स्वेटर भी पहने होते थे, बट यहाँ पे तो बहुत गर्मी लग रही है। तो ये देखिए, ये है सामने फर्स्ट एंड सेकेंड वेटिंग हॉल, नो एंट्री विदाउट मास्क, मतलब ये लिखा रखा है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम पर एंट्री हो जाती है। और ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म का ये नज़ारा है। उसका कारण है कि लोग अभी अमरनाथ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा क्लोज़ हो चुकी है ना इस टाइम पे, तो लोग अभी अमरनाथ से वापस आ रहे हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसा है हाल कुछ प्लेटफॉर्म का। और टाइम हो गया है 12:46 भी। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने शुरू से मेरा वीडियो देखा होगा, कि मैं 12:30 के आसपास चली थी अपने हॉस्टल से। तो फिलहाल मेरा टिकट तो एसी में है ना, तो मैं बैठ सकती हूँ जा करके एसी वाले वेटिंग रूम में, लेकिन फिर भी मैं पूरा स्टेशन एक बार देख लेती हूँ और आप लोगों को भी पूरा स्टेशन दिखा देती हूँ। और ये देखिए जो डंडा लिए खड़े हैं ना, ये लोग अमरनाथ और वैष्णो देवी से यात्रा करके आए हुए हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादातर जो पैसेंजर्स हैं ना, ज़्यादातर जो यात्री हैं, वो मतलब दर्शनार्थी ही हैं, जो दर्शन करके आए हैं माता वैष्णो देवी के या फिर बाबा भोलेनाथ के, अमरनाथ बाबा बर्फानी के। तो मैं प्लेटफॉर्म इसलिए घूम रही हूँ कि ताकि मतलब मैं प्लेटफॉर्म भी दिखा पाऊँ आप लोगों को, और मैं अपने ट्रेन का स्टेटस भी देख पाऊँ कि कब तक लगेगी मेरी ट्रेन। और ये देखिए, ये है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा दूर हूँ, इतनी दूर तक जाने के लिए ना मुझे बहुत एनर्जी चाहिए और धूप भी बहुत तेज़ है। ये देखिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और ये रही कोई ट्रेन लगी हुई है कोलकाता जम्मू तवी। अच्छा, तो यहाँ पे ये किस तरह का प्रोडक्ट है, मतलब ये घर में बनाते हैं कश्मीरी माइग्रेंट जो रहते हैं यहाँ पे, हाँ। घर में सारा बनाते हैं, तो प्रोडक्ट खुद ग्रीन है, ग्रीन से खुद मंगाते हैं मार्केट से, खुद बनाते हैं, हल्दी खुद उगाते हैं, मीरा खुद पीसते हैं, मिर्ची खुद पीसते हैं घर पे, अचार खुद घर पे बनाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलते, क्या है इसको, हथकरघा बोलते हैं, हथकरघा हाथों से जो बनाया, कश्मीरी प्रोडक्ट है, कश्मीरी हथकरघा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है अखरोट, अखरोट मतलब होता है हाथ से हाथ बढ़ाना, एक दूसरे से हाथ नहीं करना, हाँ। तो ये होता है अखरोट कश्मीरी। अच्छा, तो ये अखरोट कश्मीरी प्रोडक्ट है, तो मुझे दिखा यहाँ पे लोग ले रहे थे, तो मैंने उससे मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये रहे इनके प्रोडक्ट, ये देखिए, ये इसमें अचार वगैरह है ना, ये अचार, ये आम का अचार है, ये सारा अचार घर में बनाते हैं, ये सूखा है, ये सिरके के साथ है, ये और ये कश्मीरी कढ़ाई के सूट है, ये कश्मीरी बहुत ही स्वाद होता है, हम और काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने के साथ, इस खाने का जायका कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने आप लोगों को ना पीछे वो प्रोडक्ट्स दिखाए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, मैंने भी लिए हैं, दो सोप लिए हैं, क्योंकि ग्लिसरीन वगैरह तो हम वैसे भी यूज़ करते रहते हैं और ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं अच्छे ही होते हैं, तो मैंने भी ले लिया है। देखिए मेरी ट्रेन आ गई है, मतलब लग रही है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये उल्टी आ रही है ट्रेन, ये देखिए टाटा नगर से जम्मू तभी, ये देखिए आप दिख रही है ना आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरी ट्रेन आ चुकी है। तो ये रही मेरी ट्रेन, और एसी कोच ना इसमें पीछे लग गए हैं सारे के सारे आज। और ये देखिए अभी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन 1:11 के, मतलब 1:07 पर ट्रेन आके लग चुकी थी। तो ये देखिए टाटा नगर टू जम्मू तवी 81/01 और 81/02, और ये है कोच नंबर 26। तो चलिए चलते हैं हम अपने कोच की तरफ, क्योंकि मेरा कोच है 27। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ, लेकिन अभी ना ट्रेन खुली नहीं है, दरवाजे अभी लॉक है इसके, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। तो चलिए, खुल गया है गेट कोच का मेरे। ये
यार ट्रेन तो बहुत गंदी दिख रही है भाई, ये देखो ऐसा है कुछ हाल। कोच नंबर है मेरा, आप लोगों को याद है पहले भी मेरा कोच ना 63 ही था जब मैं आई थी, तो मैं लगेज उतार लेती हूँ अपना। और ये देखिए कर्टन वगैरह लगे, फैन भी चल रहा है, यहाँ से खोल देती हूँ यार, थोड़ा रोशनी आएगी अच्छा लगेगा। तो ऐसा है कुछ हाल ट्रेन का यार, मतलब बहुत गंदी दिख रही है ट्रेन तो भाई, मुझे तो पता नहीं, मतलब उधर वाली बर्थ अच्छी है साइड वाली उस तरफ है ये देखो। और ये रहा टॉयलेट, ये रहा मेरा कोच, ये रही मेरी बर्थ। मेरी बर्थ इस तरफ क्यों है, मुझे इस तरफ नहीं चाहिए थी। ऑलमोस्ट 24 आवर्स की जर्नी है, ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट 24 आवर्स की जर्नी है। और ट्रेन पता नहीं क्यों रुक गई है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए चल नहीं रही, इतनी बढ़िया है सिग्नल हो गया, फिर से सीटी दे दी ट्रेन ने। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपनी बर्थ पे, अभी करेक्ट टाइम पे चली है, 2:20 पे ट्रेन का टाइम है यहाँ से जम्बू तवी से निकलने का, तो करेक्ट 2:20 पे यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ बर्थ पे, आराम करूँगी जा करके, और मैं जहाँ पे उठूँगी जिस भी स्टेशन पे उठूँगी रात में या शाम को, फिर मैं वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, बीच बीच का मैं थोड़ा बहुत दिखाती रहूँगी। तो ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को इन्जॉय करती रही, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो एंड एसी वगैरह बढ़िया चल रहा है एकदम से परफेक्ट। तो पहुंच गए हैं हम अमृतसर, ये देखें ASR 8102 ट्रेन नंबर, और ये देखें बाहर का नज़ारा, ये देखें अमृतसर पहुंच गए हैं। पंजाबी लैंग्वेज में चाय एंड ठंडा पे लिखा हुआ है, ये है स्टेशन का नज़ारा। और शाम का टाइम है, भूख तो लग रही है, कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो चलिए कुछ ले करके आते हैं खाने के लिए। फ़िलहाल ट्रेन यहाँ कॉफ़ी दे देते हैं, भैया एक सैंडविच दे दीजिए। एक कितने का है, तो ये देखिए ये है हमारी ट्रेन पीछे साइड, पता है आगे कितनी लंबी ट्रेन है, बहुत ज्यादा। चलिए चलते हैं अंदर, मतलब मुँह हाथ धुल के ब्रश करके बैठ चुकी हूँ, और अभी गाजियाबाद निकला है यार, बहुत लेट है मेरी ट्रेन, लगभग 5-3 घंटे तक तो लेट ही है, क्योंकि 7:40 पे गाजियाबाद निकला है, और वैसे मतलब 5 बजे ये दिल्ली क्रॉस होती है, 5:30-6 तक ये गाजियाबाद क्रॉस होती है।
रामपुर सेंट्रल। और ये देखिए ये है B7 कोच दिख रहा होगा, ये देखिए B7 और 1802 ट्रेन नंबर है। और ये देखिए ये अनाउंस हो रहा है 1802 और ये गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस जा रही है। और टाइम देखिए 3:00 करेक्ट 3:00 ट्रेन आई है यहाँ पे। और ये है कानपुर सेंट्रल का हाल। वैसे भीड़ नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ही है अभी तो। चलिए चलते हैं अब हम अपने घर। हमारा और आपका यहीं तक का सफ़र था, जम्मू तवी से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक। तो मिलते हैं अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब मैं यहाँ से जो जर्नी करूँगी वो मैं अकेली जर्नी करूँगी, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर मेरा घर है। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।